कह रहा हूं ये अंतर को आप समझिए। उसको खाने से प्रेम था और उस खाने के प्रेम की बजाय तो उसे और एक किलोमीटर चलने की तकलीफ ज्यादा बड़ी लगती है। आपके नंबर कम आ रहे हैं, ये रियलिटी में दुख नहीं है, ये समस्या है। क्या है? और तुम्हारे पास जितनी भी समस्याओं सबका समाधान है, या जितने बच्चे बैठे हैं उन सबको आईआईटी जेईई 2025 से प्रेम है। ये हमारी मानसिकता है जो हमें उस सिलेक्शन तक ले जाएगी। अब अपने आप से पूछिए कि आपको गोल बड़ा दिखता है आईआईटी जेईई 2025 का, या आपको तकलीफें ज्यादा बड़ी दिखती है? मैं जब आईआईटी में था तो मुझे क्या बहुत दिन हो गए थे, मतलब मैस का खाना खाते खाते, और मैं वैसे मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, तो है ना मैस में तो सब तरह की चीजें बनती है, तो मैंने कहा थोड़े दिन बाहर खाते हैं। तो पास में एक जैन मैस थी, सात्विक मैस थी, पर उसके लिए थोड़ा पैदल जाना पड़ता था। तो हम चार दोस्त जाते थे, तो तीन दोस्त हम जाते थे, हमें कोई समस्या नहीं थी, हम जाते थे। एक दोस्त था उसको खाना बहुत पसंद था वहां का, ऐसी बात नहीं, जैन मैस के, उसके लिए मान के चलो कि करीबन एक किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था रोज, पर हम शाम को खाना खाने, मेरे को वहां पसंद था कि यार शाम को खाना खाने वहां जाएंगे। मुझे हमेशा उस खाने का लालच होता था कि सात्विक खाना मिलता है बिल्कुल जैन मैस टाइप में, जिसे पेट खराब नहीं होता। मैं उसके लिए एक किलोमीटर रोज पैदल, मुझे कोई फाइट नहीं होती। मुझे मेरा एक चौथा दोस्त था, उसे खाना तो पसंद था, पर उसे था यार एक किलोमीटर पैदल चलेंगे, मेरे जहन में कभी ख्याल ही नहीं आता, तो मुझे खाना ही दिखता था। अरे यार सुन लो, उसको खाना पसंद था मेरे जितना ही, इसमें कोई शक और संशय वाली बात, मुझे मेरे जितना ही खाना पसंद था, पर उसके लिए वो परेशानी थी रोज एक किलोमीटर पैदल चल। वो महीने दो महीने गया, उसके बाद उसने जाना छोड़ दिया। मैं ये कह रहा हूं ये अंतर को आप समझिए। उसको खाने से प्रेम था, पर उस खाने के प्रेम की बजाय तो उसे वो एक किलोमीटर चलने की तकलीफ ज्यादा बड़ी लगती थी। अरे यार सुन रहा यार, या जितने बच्चे बैठे हैं उन सबको आईआईटी जेईई 2025 से प्रेम है। yes, अरे है कि नहीं है? yes, जितने बच्चे यहां बैठे उन सबको आईआईटी जेईई 2025 से प्रेम है। yes, पर इनमें से कुछ ऐसे होंगे जिन्हें सिर्फ आईआईटी जेईई 2025 दिखता होगा, और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये दिखता होगा मुझे खाना अच्छा नहीं मिल रहा, मुझे टीचर मेरी पसंद का नहीं मिला, मेरे पापा ने पैसे पूरे नहीं भेजे, मैं बीमार हो गया, मेरे को ये नहीं मिला, मेरे को वो नहीं मिला। ये तकलीफें हैं बीच की। अरे ये सुन लो, अगर ये बड़ी लगने लग गई ना, तो आप गोल आने से पहले हार जाओगे। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे आवाज आ रही है, सुन लो। मैं बहुत छोटी सी बात करूं, खुद ही कंसिडर, ये हमारी मानसिकता है जो हमें उस सिलेक्शन तक ले जाएगी। क्योंकि मानसिकता अगर अच्छी नहीं बनी तो हम हार्ड वर्क नहीं कर पाएंगे। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? अब अपने आप से पूछिए कि आपको गोल बड़ा दिखता है आईटीजे 2025 का, या आपको तकलीफें ज्यादा बड़ी दिखती है? दिखना चाहिए, अभी तुमने बोला है, पर मन से पूछ रहा, तुझे कई बार तकलीफें बड़ी दिखती है, तुझे कई बार तकलीफ ये भी हो सकती है, मैं मम्मी से दूर रह रहा हूं, पापा से दूर रह रहा हूं, तबियत खराब होगी, पूछने वाला नहीं है, मैं से खर्चा ज्यादा आ रहा, पापा ने आर्थिक तंगी देख के मुझे भेजा, इसका बोझ मत लीजिए, खुश रहना बंद मत कीजिए। अगर खुश रहना बंद कर दोगे, मुस्कुराना बंद कर दोगे, तो 2025 तक सर्वाइव करना पॉसिबल? अरे ये सुनो यार, मैं कहता हूं हमारा हर बच्चा तकलीफ में, तकलीफ तुम्हारे पास कोई बड़ी तकलीफ तो हो नहीं सकती। पहली बात, क्या तकलीफ होगी नंबर कमाए? अरे कोई तकलीफ थोड़ी है यार, देखो तकलीफ थोड़ी है, सब बहुत नंबर कमा रहे हैं। अरे ये सुनो यार, नंबर कम आना तकलीफ ये समस्या है, इसका समाधान ढूंढेंगे, इसलिए बहाने नहीं ढूंढेंगे। क्या ढूंढेंगे इसके लिए? समाधान ढूंढेंगे। नंबर कमा रहे हैं, फिजिक्स में कमा रहे हैं, केमिस्ट्री में कमा रहे हैं, मैथ्स में कमा रहे हैं, मेरे प्रैक्टिस कम है, उसमें बात करूंगा आज मैं। ये समस्या है, इसके समाधान होंगे। आपके नंबर कम आ रहे हैं, ये रियलिटी में दुख नहीं है, ये समस्या है। क्या है? और तुम्हारे पास जितनी भी समस्या उन सबका समाधान है। बात यह है कि तुम उसे अपनाना चाहते हो या ये तुम पर निर्भर करता है। इसलिए मैं कह रहा हूं 2025 तक अगर सस्टेन करना है, ये उनकी तरह नहीं जो भी जुलाई अगस्त में आए हैं, 13 के बच्चे जो भी अगस्त में आए हैं, जिनका बैच अभी चालू हुआ, जनवरी में एग्जाम दे देंगे, उन्हें 6 महीने मोमेंटम बनाए रखना है। अरे ऐसा हो रहा यार, उन्हें बोलता हूं 15 घंटे पढ़िए, तुम्हें 12 घंटे ही बोलूंगा, पर 12 घंटे भी रोज पढ़ना इतना आसान अगर हम खुश नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं मुस्कुराएगा हमारा हर बच्चा, वो रोएगा नहीं। मैं ये कह रहा हूं इंटेलिजेंसी का और हंसने का, जनरली बच्चा हमारा ऐसा परसेप्शन होता है कि जो बच्चा हमने बचपन से ऐसे देखा होता है कि ये देखो बच्चा बिल्कुल बोलता नहीं, तो हम बता मन में क्या सोचते हैं, इंटेलिजेंट होगा। ये हमारी मनस्थिति ऐसे ही बनाई गई है। अरे ये सुन लो यार, अपने घर में भी देख सकते, ये बच्चा तो बोलता ही नहीं है। अरे तो नहीं बोलता, खराब होगा उसके मन में, कुछ है नहीं बोलने के लिए। अरे है कि नहीं यार? अरे मैं बहुत बोलता था बच्चे बचपन से, मैं भी सेलेक्ट हुआ। अरे हुआ कि नहीं हुआ यार? पहले कह रहे कब हुआ, प्रमाण बताओ। अरे है कि नहीं? मैं कह रहा हूं आपका नहीं खुश रहना, नहीं हंसना ऐसे नहीं। अच्छा लड़कियों को एक बार पूछ लेती हूँ, जैसे आप थोड़ा मुस्कुरा सकती है कि हाय मुस्कुरा रही, अब मेरे को ऐसी लड़कियों से बहुत डर लगता था, मैं चश्मा लगाती थी, मुझे लगता था यही सिलेक्ट होंगी, अपना नंबर आने वाला।
मैं बस इतना बोलना चाहता हूं, मुस्कुरा के पढ़ोगे तो फायदा होगा कि नुकसान? 100% फायदा होगा, लॉन्ग टर्म तक पढ़ पाओगे। मनस्थिति सही होनी चाहिए। अरे ये सुनो यार, गोल साफ दिखाई देना चाहिए। जैसे मुझे खाना दिखाई देता था, मुझे 1 किलोमीटर चलना दिखाई चाहिए। मैं भी थक के आता था, 14-15 घंटे काम करता था रोज,